फांसी की सजा पा चुके कैदी ने प्रथम श्रेणी में पास की हाईस्कूल की परीक्षा। शाहजहांपुर में फांसी की सजा पा चुके सजायाफ्ता कैदी मनोज ने जेल के अंदर से हाई स्कूल परीक्षा को फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। जेल में बंद बंदी के फर्स्ट डिवीजन में पास होने पर खुद एडीजी जेल ने ट्वीट करके कैदी को बधाई दी है। जेल में बंद कैदी को हत्या के एक मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। फिलहाल जेल में बंद कैदी फांसी होने तक आगे की पढ़ाई करना चाहता है। कैदी की आगे की पढ़ाई को लेकर जेल प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। वहीं जेल में बंद अन्य कैदी भी उसके इस मनोबल के कायल हो गए हैं, जिसके चलते जेल में बंद अन्य कैदी उससे प्रेरणा ले रहे हैं। शाहजहांपुर के थाना कलान क्षेत्र के रहने वाले मनोज पर एक बच्ची की हत्या का आरोप था। आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने मनोज को फांसी की सजा सुनाई है। फांसी की सजा होने के बाद कैदी ने जेल प्रशासन से पढ़ाई करने की मंशा जाहिर की थी, जिसके बाद कैदी ने जेल में रहकर यूपी बोर्ड से हाईस्कूल की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास की थी। कैदी के फर्स्ट डिवीजन आने पर डीजी जेल ने ट्वीट करके कैदी को बधाई दी है। वहीं शाहजहांपुर जिला जेल प्रशासन का कहना है कि अगर कैदी आगे की पढ़ाई करना चाहता है तो जेल प्रशासन उसे पूरा सहयोग करेगा। जेल अधीक्षक बीडी पांडे ने बताया कि सजा सुनाए जाने के पहले ही मनोज ने कक्षा 10 का फॉर्म जेल से ही भरा था, परंतु फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद उसने पढ़ना छोड़ दिया। पांडे ने बताया कि हमने उसे लगातार मन लगाकर पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और फिर उसने पढ़ाई की और 64% अंक लाकर प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास कर ली। उसके पास होने से जिला जेल में बंद अन्य कैदी भी अब उससे प्रेरणा लेकर पढ़ाई का मन बना रहे हैं। GBN24 न्यूज़ के लिए शाहजहांपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट। अभी इंटर है, फर्स्ट ईयर है, इंटर अगर आगे भी पढ़ना चाह रहा है तो क्या उसके लिए? हाँ, इसको और जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको सभी को परीक्षा फॉर्म भराने की व्यवस्था जेल से की जाती है, कराई जाएगी। उनको जो किताबें चाहिए, कापी चाहिए, वो सारी चीज़ उनको जेल से मुहैया कराई जाएगी और पढ़ने में सहयोग किया जाएगा। जेल में शिक्षक एक तैनात हैं, प्रदेश की सभी जेलों में शिक्षक तैनात हैं और हमारे डीजी साहब का, सरकार का ये विशेष निर्देश रहता है कि जो रचनात्मक कार्य करने वाले हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित किया जाए और हर संभव उनकी मदद की जाए।